नजर में अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। लोगों का काम कहना है, लोग तो कहेंगे ही, आप कुछ नहीं करोगे तो भी लोग कहेंगे, जब आप कुछ कर लोगे तब भी लोग कहते रहेंगे। आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं बन सकते, जैसा लोगों के साथ व्यवहार करेंगे लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो पहले आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी, तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो अमीर बनो। लोग रिस्पेक्ट उन्हीं की करते हैं जिनके पास पावर, पोजीशन और बहुत सारा पैसा होता है। लोगों को दिखाओ, बताओ कि आपने ये उखाड़ा है, आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, आप ये कर सकते हो। रियलिटी में आपने जो किया वो बताना और लंबा लंबा फेंकना मत, वरना आपकी बात गलत निकलेगी। वैल्यू बढ़ाने की बजाय वो गिर जाएगी, क्योंकि जब आप लोगों को पता चलेगा कि यह काम का इंसान है तो आपकी इज्जत और करेंगे। दोस्तों, हम लोगों को बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत है, हमें कई बार पता नहीं होता लेकिन हम प्रटेंड करते हैं कि हमें सब कुछ पता है, जिससे सामने वालों को आपके हाव भाव से पता चल जाता है कि आपको कुछ नहीं पता। जब पूरी इच्छा से नहीं पता तो बोल दो, एडमिट करो कि मुझे नहीं पता। इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे। जब कभी भी आप बोलोगे तो लोग ध्यान से आपको सुनेंगे, क्योंकि लोगों का भरोसा आपके ऊपर होगा। अगर आप एक्सपर्ट हो, इफ़ यू आर ओनली वन, देन ना चाहते हुए भी लोग आपको आपकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बॉलीवुड के कई हीरो बड़े ही एरोगेंट हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, क्योंकि ऑडियंस की डिमांड है कि उनको देखना है। आप रिप्लेस नहीं कर सकते, मार्केट में आपकी अहमियत बनानी पड़ेगी आपको, और जिससे कि आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी है तो आज ही अपनी वैल्यू को बढ़ाने में लग जाइए, कुछ कहिए, कुछ लोगों को करके दिखाइए। जो आपको बोल रहे हैं उनके मुंह बंद करवाइए ताकि कोई भी आपको बोल ना पाए। अपने बारे में सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लोगों की परवाह छोड़ दीजिए। ये 2 मिनट की स्पीच ने अगर आपकी थोड़ी सी भी लाइफ चेंज की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।